बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन शोरबा जो सिंपल घर में हम बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अपने तरीके से शेयर करूँगी। बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से ये बनते हैं। चिकन मैंने भूनने के लिए रख दी है और साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन थी और इसके छोटे छोटे पीसेस करनी है। वैसे मैं साबुत थी, इसको मैंने खुद से भी छोटे पीसेस किए और ये साबुत गर्म मसाले हैं कुछ और ये डाल रही हूँ और इसमें हल्दी भी ऐड कर रही हूँ। इसको भून लूँगी और जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो फिर उसमें मैं थोड़े से बाकी प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ऐड करूँगी। प्याज को मैंने थोड़ा सा स्ट्यू कर लिया था और दो टमाटर के साथ, ये दो प्याज हैं और इनको स्ट्यू करने के बाद दो टमाटर और अदरक लहसुन इसमें नहीं है, इसमें हरी मिर्चें 5 से 6 और इनको जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है। वो चिकन जब भून लूँगी तो ये मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसके अलावा मैं चिकन थोड़ा अच्छी तरह स्ट्यू हो जाए तो बाद में मैं अदरक लहसुन ऐड करती हूँ और बाकी मसाले ऐड करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये मैं नमक और हल्दी के साथ चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। और ये मैं फिर से दोबारा बता देती हूँ कि ये जो मसाला था इसमें हरी मिर्चें 5 से 6, टमाटर हैं 2 और 2 प्याज जिनको स्ट्यू किया था और इकट्ठा इन सबको ग्राइंड कर लिया था। ये 1.5 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें 1 टीस्पून अदरक डाल रही हूँ और लहसुन मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, ये तकरीबन 2 टीस्पून हैं और इसको दोबारा से भूनती हूँ। ये मैं मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा इसको भूनूंगी, फिर बाकी का मसाला डालूंगी और प्याज जो है उसको मैंने हल्का सा ब्राउन किया था, पूरा ब्राउन नहीं किया था, भूना नहीं था और उसके बाद टमाटर के साथ उसे ग्राइंड कर लिया था। साबुत गर्म मसालों में मैंने एक काली इलायची डाली थी, 3-4 लौंग थी, 1 टीस्पून जो है साबुत ज़ीरा था और अब मैं इसमें बाकी के मसाले भी डाल रही हूँ। ये सूखा धनिया है जिसको मैं खुद से ग्राइंड कर लिया है, ये काली मिर्च है इसको भी ग्राइंड कर लिया है। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें खुद से ग्राइंड करके रखूँ, शान का या नेशनल का भी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन ज़रा इसका अरोमा फिर फ़र्क हो जाता है। मैंने 2 ग्लास पानी गर्म करने के लिए भी रखती है मैं, वो इसमें ऐड करूँगी, ठंडा पानी नहीं डालूँगी। ये बाकी का मसाला भी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसकी भुनाई और 3-4 मिनट और करके और फिर इसमें पानी डाल दूँगी और फाइनल आपको इसकी शक्ल दिखाऊँगी। इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल दम की आंच कर दी है और मैं ढक्कन इस पर लगा रही हूँ। ये मैंने ढक्कन उतार दिया है और तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये गर्म पानी मैंने किया था 2 ग्लास और ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको थोड़ी आंच तेज़ करूँगी और इसको बॉयल दे दूँगी और फिर जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए होगी उस पर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको दिखा दूँगी। जी, ये चूल्हा बंद कर दिया मैंने और जब पानी डाला था उस वक्त से लेकर अब तक टोटल 15 मिनट्स के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था।